नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्ष चौधरी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिंद्रा मराजो के लिए कौन कौन सी एसेसरीज अवेलेबल है और उनकी प्राइस क्या क्या है। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एसेसरीज की शुरुआत करते हैं हम इस सेंट्रल लॉकिंग की से। लोअर वेरिएंट्स में ये की अवेलेबल नहीं होती है, तो इस की को आप डलवा सकते हैं। इसकी प्राइस है 5,000 रुपीज। ये टॉप मॉडल है और इसमें रियर पार्किंग सेंसर मिलता है, इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं मिलता है। तो आप इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर डलवा सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 3,000 रुपीज। और लोअर वेरियंट में रियर पार्किंग सेंसर भी नहीं मिलता, तो उसकी भी कॉस्ट है 3,000 रुपीज। इसके अलावा दोस्तों, हेडलाइट के ऊपर आप क्रोम करवा सकते हैं। इधर पर क्रोम की एक पट्टी डलवा सकते हैं जिसकी कॉस्ट है 950 रुपीज। इसके अलावा आप यहाँ पर क्रोम की ग्रिल लगवा सकते हैं जिसकी कॉस्ट है लगभग 1200 रुपये, और यहाँ पर लोअर क्रोम ग्रिल की कीमत है 1000 रुपये। लोअर वेरिएंट्स में आप फॉग लैंप विद DRL डलवा सकते हैं जिसकी प्राइस है 13,000 रुपीज। फॉग लैंप के ऊपर भी आप क्रोम करवा सकते हैं जिसमें इनर क्रोम की कीमत है 2850 रुपीज और आउटर क्रोम की कीमत है 1308। फ्रंट साइड की सेफ्टी के लिए आपको मिलता है फ्रंट ABS गार्ड, जो आप यहां पर इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसकी कीमत है 8800 रुपीज। दोस्तों, एक पट्टी आती है जिसको आप चारों तरफ गाड़ी के कोनों में लगा सकते हैं, जिसे कहते हैं बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्शन। इससे आपकी गाड़ी कॉर्नर से टच होने से बची रहती है, जिसकी कीमत है 651 रुपीज। इसके साथ साथ दोस्तों, ORVM है, इसे आप क्रोम का करवा सकते हैं जिसकी कीमत है 4751 रुपीज, और या फिर आप इसे सिल्वर या ब्लैक में करवाना चाहें तो उसकी कीमत है 5,000 रुपीज। ORVM में आप अंदर साइड से भी क्रोम करवा सकते हैं, जिसे कहते हैं इनर रिंग क्रोम, जिसकी कीमत है 754 रुपीज। इसके अलावा आप ये क्रोम साइड मोल्डिंग करवा सकते हैं जिसकी कीमत है 3457 रुपीज। यहाँ पर आप वेस्ट लाइन मोल्डिंग भी करवा सकते हैं जिसकी कीमत है 3703 रुपीज। उसके अलावा आप ये विंडो पे जो क्रोम दिख रहा है ये भी करवा सकते हैं जिसकी कीमत है 4506 रुपीज। इसके अलावा ये जो डोर हैंडल्स आते हैं, ये बेस वेरिएंट में काले कलर के आते हैं, तो इसे आप क्रोम करवा सकते हैं जिसकी कीमत है 1373 रुपीज। उसके अलावा आप यहाँ पर विंडोज के ऊपर रेन वाइजर्स लगवा सकते हैं, जो कि आपको बरसात में काफी हेल्पफुल रहेंगे। ये रेन वाइजर्स दो टाइप के आते हैं, एक जो सिंपल आते हैं उसकी कीमत है 1604 रुपीज, और जो दूसरे टाइप के आते हैं उसके ऊपर क्रोम की पट्टी लगी हुई होती है जिसकी कीमत है 2253 रुपीज। तो दोस्तों, बेस वेरिएंट में स्टील व्हील्स आते हैं, तो आप उसके ऊपर कवर लगवा सकते हैं जिसकी कीमत है 3000 रुपीज। और अगर आपको अपग्रेड कर एलॉय व्हील्स डलवाने हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप M4+ के एलॉय व्हील्स डलवा सकते हैं जिसकी कीमत 32,000 रुपीज है, या फिर आप M6+ के एलॉय व्हील डलवा सकते हैं जिसकी कीमत है 48,000 रुपीज। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये जो एलॉय व्हील्स है M6+ वाले, ये 17 इंच के एलॉय व्हील्स है। अगर आप बेस वेरिएंट को इसमें ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपको इसके टायर भी बदलने होंगे, क्योंकि आपके वेरिएंट में 16 इंच के टायर आते हैं। अब बात करें अगर इसके रियर साइड की, तो इसके जो टेल लैंप्स हैं इसके ऊपर भी आप क्रोम करवा सकते हैं जिसकी कीमत है 1210 रुपये। उसके साथ साथ बेस वेरिएंट में ये रियर एप्ली क्रोम भी आप करवा सकते हैं जिसकी कीमत है
4356 रुपीज। इसके अलावा आप यहाँ लाइसेंस पे भी क्रोम करा सकते हैं जिसकी कीमत है 850 रुपीज। ये सब के अलावा आप यहाँ पर रियर स्पॉइलर डलवा सकते हैं जो कि इस गाड़ी को बहुत ही स्पोर्टी लुक देता है, उसकी कीमत है 4000 रुपीज। और उसके अलावा आप यहाँ पर इसकी छत पर रूफ रेल्स भी डलवा सकते हैं जिसकी कीमत है 9747 रुपीज ओनली। दोस्तों मराजो के ऊपर आप रूफ कैरियर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो रूफ कैरियर जो है वो चार टाइप के आते हैं। सबसे पहला रूफ कैरियर जो है वो है टूरिंग रूफ बॉक्स जिसकी कीमत है 75600 रुपीज। सेकेंड जो है उसका नाम है इंटीग्रेटेड रूफ कैरियर जिसकी कीमत है 15965। तीसरा जो है उसका नाम है प्रीमियम रूफ कैरियर जिसकी कीमत है 11297। और जो सबसे सस्ता वाला रूफ कैरियर है वो है इकोनॉमी रूफ कैरियर जिसकी कीमत है 8800। अपनी मराजो को शार्क का लुक देने के लिए यहाँ पर आप शार्क फिन एंटीना भी इंस्टॉल करवा सकते हैं जिसकी कीमत है 525 रुपीज। इसके अलावा अगर आप अपनी मराजो को स्पोर्टी लुक देना चाहते हैं तो इसकी छत को आप पियानो ब्लैक करवा सकते हैं। ये करवाने के लिए आपको 8700 रुपीज देने होंगे। ये जो रियर रिफ्लेक्टर है इस पर भी आप क्रोम करवा सकते हैं जिसकी कीमत है 750 रुपीज। उसके अलावा रियर में आप ऐसा गार्ड लगवा सकते हैं जिसकी कीमत है 4622 रुपीज। इसे हम ग्रे एल्यूमिनियम गार्ड कहते हैं। इस ग्रे एल्यूमिनियम गार्ड के अलावा एक रियर बम्पर गार्ड आता है जो कि इसके ऊपर ही चिपक जाता है, उसकी कीमत है 5850 रुपीज। दोस्तों बेस वेरिएंट में रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता है, तो रिवर्स पार्किंग कैमरा आप डलवा सकते हैं। ये आता है दो टाइप का, एक होता है डैश माउंटेड और दूसरा होता है IRVM माउंटेड। तो जो डैश माउंटेड होता है वो आपको लगभग 7400 का पड़ता है और जो IRVM वाला होता है वो आपको 7700 का पड़ जाता है। दोस्तों एक और एक्सेसरीज है जिसे हम कहते हैं साइड फुटस्टेप। ये आपको दो तरीके के मिलते हैं, एक की कीमत है 12,500 रुपये और एक की कीमत है 11,000 रुपये। ये हमने 11,000 रुपये वाली डलवा रखी है, पर ये पर्सनली मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि दोस्तों अगर आप देख सकते हैं ये लगवाने से जो है ग्राउंड क्लियरेंस बिल्कुल ही कम हो जाता है, उसके कारण हमारी गाड़ी स्पीड ब्रेकर पर कई बार अड़ जाती है। तो मैं पर्सनली आपको रेकमेंड नहीं करूँगा, पर अगर आपकी मजबूरी है, आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो ये लगाना आपको कंपलसरी है। दोस्तों आप चलते हैं गाड़ी के अंदर और देखते हैं कि इंटीरियर के लिए कौन कौन सी एसेसरीज अवेलेबल हैं। तो दरवाज़ा खोलते ही जो सबसे पहले एसेसरीज दिखती है जो यहाँ पर लगती है जिसे हम स्कफ प्लेट कहते हैं। स्कफ प्लेट जो है वो तीन टाइप्स की अवेलेबल है। SS स्कफ प्लेट जो है वो आपको पड़ जाएगी 500 रुपीज की। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट जो है वो आपको पड़ जाएगी 2300 रुपीज की। और एल्यूमिनियम की जो स्कफ प्लेट है वो आपको पड़ जाएगी 550 रुपीज की। दोस्तों मराजो के टॉप मॉडल में से रियर सनशेड्स निकाल दिए गए हैं, पर हमारे पास उसका भी ऑल्टरनेटिव है यानी कि मैग्नेटिक सनशेड्स। दोस्तों ये जो सनशेड्स हैं ये विंडो की बॉर्डर पर मैग्नेट की मदद से चिपक जाते हैं, इससे आपकी प्राइवेसी भी बरकरार रहती है और अंदर ठंडा माहौल रखने में भी ये मदद करता है। इस सनशेड्स की कीमत है 1604 रुपये। रियर वाला डोर ओपन करें तो यहाँ पर हम बम्पर पे रियर बम्पर स्कफ प्लेट लगवा सकते हैं जिसकी कीमत है 510 रुपीज। उसके अलावा यहाँ पर लगाने के लिए एक बूट मैट आती है जिसकी कीमत है 1000 रुपीज। ये काफ़ी हेल्पफुल है, इसकी मदद से डर्ट जो है वो अंदर नहीं जाती है। ये बहुत ही यूजफुल एसेसरीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको 800 से 1000 की रेंज में स्टेयरिंग कवर के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर हम बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम की तो इसमें भी काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि 8000 से शुरू होते हैं और 25000 रुपए तक जाते हैं। आप अपने
पसंद के हिसाब से म्यूजिक सिस्टम डलवा सकते हैं। इसमें रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम भी डलवा सकते हैं, जो कि आगे की दो सीट के हेडरेस्ट होते हैं उसके पीछे इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी कीमत है 16500 रुपीज। आप ये सीट के पीछे यूनिवर्सल स्नैक ट्रे लगवा सकते हैं, जिसकी कीमत है 6798 रुपीज। या फिर आप यूनिवर्सल टैबलेट या आईपैड होल्डर भी डलवा सकते हैं, जिसकी कीमत है 2600 रुपीज ओनली। इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पर बैक सीट ऑर्गेनाइजर भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, जो आपकी चीजें को मैनेज करने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसकी प्राइस है 850 रुपीज। डैशबोर्ड की लुक को और प्रीमियम बनाने के लिए आप इसमें वुडन टच डाल सकते हैं, जिसकी कीमत है 1250 रुपीज। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनके लिए भी एक छोटी सी सीट डलवा सकते हैं, जिसकी कीमत है 9500 रुपीज ओनली। तो फ्लोर मैट्स में भी आपको काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि 1000 रुपए से स्टार्ट होकर 4000 रुपए तक जाते हैं। यहां तक कि आप पूरी गाड़ी को लेमिनेशन करवा सकते हैं, जिसकी कीमत है 4559 रुपीज। इसके अलावा दोस्तों, सीट कवर्स में भी बहुत से बेहतरीन ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसकी प्राइस 8 से 10 हजार के बीच में है। तो आप अपनी पसंद के सीट कवर्स डलवा सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, गेट पर यहाँ पर एक लोगो प्रोजेक्शन हेडलैम्प इंस्टॉल हो जाता है, जिसकी कीमत है 900 रुपीज, जो कि आपकी कार को बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। ये सब के अलावा दोस्तों, आप अपनी गाड़ी में महिंद्रा स्मार्ट ट्रैकर भी डलवा सकते हैं, जो कि एक बहुत ही उपयोगी चीज है, जिसकी प्राइस है 8141 रुपीज ओनली। इसके अलावा दोस्तों, आप एम्बियंट लाइटिंग भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसमें आपको 5 कलर मिलते हैं। आप अपने मूड के हिसाब से कलर बदल सकते हैं। तो इसकी कीमत है 2160 रुपीज ओनली। ये सब के अलावा आप इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी में बैठे बैठे चारों टायर में कितना प्रेशर है वो जान सकते हैं। तो दोस्तों, इसकी कीमत है तकरीबन 12500 रुपये। तो दोस्तों, अगर हमसे कोई एसेसरीज छूट गई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स के थ्रू अपने सुझाव दीजिए। हम इस तरह के वीडियो आने वाले समय में और भी बहुत सारे बनाते रहेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।